स्त्री अगर चाहले तो बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या भंग हो सकती है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने दिया था। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे विश्वामित्र जैसे ऋषि को मेनका ने संबंध बनाने को विवश कर दिया था। उनकी तपस्या भंग कर उनके साथ लंबे वर्षों तक रहीं और फिर उन्हें छोड़कर वापस चली गईं। तब विश्वामित्र को एहसास हुआ कि उनकी तपस्या भंग करने के लिए ये चाल इंद्र ने चली थी। कहा जाता है कि राजा से ऋषि बने विश्वामित्र एक बार जंगल में घोर तपस्या कर रहे थे। तभी नारद मुनि इंद्रदेव के पास पहुंचे और कहा कि हे इंद्रदेव, धरती पर एक ऋषि स्वर्ग लोक बनाना चाहता है और इसके लिए वो तपस्या में लीन है। इंद्रदेव ने जब देखा तो उन्हें लगा कि अगर इस ऋषि की तपस्या सफल हो गई तो हमारी गद्दी चली जाएगी, हमारा इंद्रासन छिन जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाया और कहा कि तुम इसी वक्त मृत्यु लोक यानी धरती पर जाओ और जंगल में तपस्या कर रहे ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दो। मेनका जब ऋषि विश्वामित्र के सामने आई तो उसे भी पता नहीं चला कि कैसे एक ऋषि पर अपने नैनों का वाण चलाऊं, क्योंकि ऋषि तो आंख बंद कर तपस्या में लगे हुए थे। तब कामदेव का सहारा लिया गया। उन्होंने एक ऐसा वाण चलाया जिससे न सिर्फ ऋषि विश्वामित्र की आंखें खुली बल्कि मेनका देह ही उनके शरीर में प्रेम भाव का संचार होने लगा। मेनका यहाँ तपस्या भंग करने आई थी, लेकिन विश्वामित्र के तेज और उनके रूप को देखकर उसे भी प्रेम भाव की अनुभूति होने लगी। कहा जाता है ऋषि विश्वामित्र मेनका के रूप और रंग को देखकर ऐसे मोहित हुए कि खुद को उसके साथ संबंध बनाने से नहीं रोक पाए। यहीं से विश्वामित्र की तपस्या भंग होनी शुरू हुई। उसके बाद तो मेनका इस धरती लोक में तब तक रही जब तक उसने एक बच्ची को जन्म नहीं दे दिया। बच्ची का नाम शकुंतला रखा गया। एक दिन मेनका अपनी बच्ची के साथ खेल रही थी, तभी इंद्रदेव वेश बदल कर प्रकट हुए और कहा कि मेनका, अब तुम्हें वापस स्वर्ग लौटना होगा। तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने पूरा कर दिया है, अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। तब मेनका ने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं अपने पति और पुत्री को छोड़कर वापस नहीं लौटना चाहती। वो रोने लगी, लेकिन इंद्रदेव ने गुस्से में आकर कहा कि अगर वापस नहीं लौटी तो यहीं शिला बना दूंगा। जिसके बाद मेनका ने अपने पति को सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर ऋषि विश्वामित्र को काफी क्रोध आया। उसके बाद मेनका चली गई तो विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को एक ऋषि के यहाँ रख दिया। उन्होंने ही उसका लालन पोषण किया और फिर ऋषि विश्वामित्र एक सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे। ऋषि विश्वामित्र के बारे में ऐसी एक और कथा प्रचलित है। कहते हैं कि उसके बाद विश्वामित्र ने त्रिशंकु नाम के व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, क्योंकि तपस्या भंग किए जाने से वो इंद्र से काफी नाराज थे और अपनी शक्ति का परिचय इंद्र को देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग में गए, वहां अप्सराओं और देवताओं में खलबली मच गई। सब एक दूसरे से कहने लगे कि ये व्यक्ति यहाँ कैसे पहुंचा। तब त्रिशंकु ने कहा कि हमें अपनी शक्ति की बदौलत ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ भेजा है। जिसके बाद उन्हें कहा गया कि आपको वापस जाना होगा और स्वर्ग आने के लिए इस शरीर को त्यागना होगा। लेकिन तभी स्वर्ग के देवताओं ने कहा कि यहाँ से अगर ये व्यक्ति सशरीर वापस गया तो धरती पर लोग स्वर्ग का रहस्य जान जाएंगे और ये किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। जिसके बाद उन्हें स्वर्ग के रास्ते में ही छोड़ दिया गया। आज भी जो लोग स्वर्ग जाते हैं उन्हें रास्ते में त्रिशंकु लटके हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा विश्वामित्र भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ के भी प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। जब विश्वामित्र राजा थे तब उनका नाम कौशिक था। एक दिन महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए, जहां नंदिनी नाम की कामधेनु गाय की मदद से वशिष्ठ ने सबको, इन्हें और इनकी विशाल सेना को भोजन कराया। तभी से विश्वामित्र उस गाय को अपने महल ले जाने के बारे में सोचने लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर गाय ने ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया कि सभी सैनिकों को मार गिराया। फिर दोबारा धनुर्विद्या का ज्ञान लेकर राजा कौशिक वशिष्ठ पर हमला कर देते हैं। तब वशिष्ठ उनके सभी अस्त्रों को काट देते हैं और आखिर में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तभी आकाशवाणी होती है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे वापस ले लीजिए। इस हार के बाद राजा कौशिक समझ जाते हैं कि तपोबल के आगे राजा का प्रभाव कुछ भी नहीं है और सन्यासी बन जाते हैं। कहते हैं तब राजा कौशिक ने सांस तक रोक कर तपस्या की थी और उसके बाद उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त की और उन्हें विश्वामित्र के नाम से जाना गया। लेकिन उसके बाद भी उनकी वशिष्ठ से प्रतिद्वंद्विता कम नहीं हुई, बल्कि जब लोग वशिष्ठ को महर्षि और इन्हें ऋषि कहते थे तो विश्वामित्र को काफी गुस्सा आता था। एक दिन वशिष्ठ से विश्वामित्र ने इसका कारण पूछा तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, आप ऋषि तो बन सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अप्सरा को देखकर अपनी भावनाओं पर काबू न रखे
वो भला महर्षि कैसे बन सकता है।